नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। पाकिस्तान में सिख की हत्या के बाद कर्फ्यू जैसा हालत। पेशावर सिख मोहल्ले में लोहे के गेट, फिर भी खौफ, पलायन शुरू। अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही सेना। पुरी की प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का बुधवार को समापन हो गया। मौसी के घर से लौटे भगवान जगन्नाथ। भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर पर हमला, कमर छूकर गई गोली। केदारनाथ में दिन में घोड़ों खच्चरों से लगवाए जा रहे हैं 2 से 3 फेरे, 62 दिन में 90 की मौत। दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। कर्नाटक के भाजपा IT सेल के प्रमुख पर केस। वुहान के रिसर्चर ने कहा कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा मोदी देश के बाहर बैठकर फैसला नहीं करते। UCC मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्शन में, आपने कहा सभी धर्म संप्रदाय की सहमति से लागू हो। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को 2:30 बजे। TS सिंहदेव होंगे छक के डिप्टी CM, पहली बार राज्य में यह फार्मूला लागू। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।